हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिल्कुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। ठंडी काफ़ी बढ़ गई है और दोस्तों आज मैं फिर लेकर आया हूं सामान्य हिंदी का जो टॉपिक चल रहा है संज्ञा। इसके पहले मैं आपको तीन पार्ट दे चुका हूँ, ठीक है। ये पार्ट फोर है, ये पार्ट फोर है, तो ये पार्ट चार है। इसके पहले मैं तीन दे चुका हूं। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां देख लीजिए, या बिल्कुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में सामान्य हिंदी सीजन टू नाम से प्लेलिस्ट बना है, जहां पर मैं बिल्कुल हिंदी चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, तो वहां से आप बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं चौथा पार्ट संज्ञा का। और वो तीस दो जो मैं पढ़ा चुका हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, उसी जातिवाचक संज्ञा के ये उपभेद माने जाते हैं दो। तीसरे नंबर का संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा, या इसको पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं, और एक समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा, इसको अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जो तीसरे नंबर की संज्ञा है, इसको पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। इस संज्ञा के अंतर्गत माप और तौल, यानी जिन पदार्थों का माप और तौल किया जाए, इसमें यही चीज याद रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट चीज, माप और तौल, ठीक है, जो किया जाएगा तो वो संज्ञा जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे परिभाषा देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी ठोस, गैस, द्रव, धातु, अधातु का बोध कराए, ठीक है, उसे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे मैंने दिया है कोयला, तो कोयला क्या है? अधातु है। दूसरा हमने दिया है सोना, वो धातु है। तेल आपका द्रव है, हीरा धातु है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि सब क्या माप तौल किया जाता है इसका, ठीक है। तो एग्जांपल से समझ में आ गया कि कोयला आपका क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए दूसरा चीज, यहाँ पे वाक्य प्रयोग ये है कि जहां कोयला होता है वहां हीरा भी होता है। आपको बताना यह है कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो हम कह देंगे कि इसमें द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा है। क्यों है? क्योंकि एक तो यहाँ कोयले का जिक्र किया गया है, एक संज्ञा का नाम दिया गया है कोयला। संज्ञा का मतलब होता है नाम, यानी एक नाम दिया गया है कोयले का और दूसरा नाम दिया गया है किसका, हीरे का, ठीक है। तो दो दो नाम दिया गया है, तो इसलिए कहा जाएगा कि इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब यहां से कभी ये क्वेश्चन पूछ देगा इसमें कितनी संज्ञाओं का मतलब वर्णन किया गया है, तो आपको एक कोयला और दूसरा हीरा, समझ में आ गया, पहला कोयला दूसरा हीरा। इसके बाद एग्जाम्पल में और देख लीजिए, उदाहरण में, उदाहरण में देखेंगे तो सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, पीतल हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया। दो चीज याद रखिएगा, गेहूं और चावल, ये दो चीज याद रखिएगा, क्योंकि यह जातिवाचक संज्ञा भी है, यह जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह जातिवाचक से ही निकले हैं दोनों पार्ट, ठीक है। तो गेहूं और चावल अगर ऑप्शन में दोनों दिया है कि जातिवाचक है और द्रव्यवाचक है, तो ऑप्शन जाति और द्रव्य दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। कोयला हो गया, घी हो गया, तेजाब हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या किया जाता है बाबू, माप और तौल किया जा सकता है। तो जो संज्ञा शब्द, यानी जिन संज्ञा शब्दों का माप और तौल किया जा सके, उसे हम द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है। उम्मीद करता हूँ छोटा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।